गाइज वेलकम बैक माई चैनल। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ रॉबर्ट ब्राउनिंग। रॉबर्ट ब्राउनिंग विक्टोरियन एज से बिलोंग करता था। स्टार्ट करते हैं इसके इंट्रोडक्शन के बारे में। रॉबर्ट ब्राउनिंग वॉज एन इंग्लिश पोइट एंड प्ले राइट हुज ड्रामेटिक मोनोलॉग्स पुट हिम हाई अमंग द विक्टोरियन पोइट्स। मतलब वो फेमस हुआ था अपने ड्रामेटिक मोनोलॉग्स के द्वारा। सबसे ज्यादा अगर इसके हिस्ट्री लिटरेरी हिस्ट्री में जो फेमस वर्क्स हुए हैं वो हुए हैं ड्रामेटिक मोनोलॉग्स। ही वॉज नोटेड फॉर आयरनी कैरेक्टराइजेशन डार्क ह्यूमर सोशल कॉमेंट्री हिस्टोरिकल सेटिंग एंड चैलेंजिंग वोकेबुलरी एंड सिंटैक्स। रॉबर्ट ब्राउनिंग बॉर्न 7 May 1812 डाइड 12 December 1889। नेशनलिटी थी इसकी इंग्लिश। स्पाउस थी इसकी एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग। ये भी एक पोइट थी। ही इज फेमस फॉर हिज मास्टरी ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग्स एंड साइकोलॉजिकल पोर्ट्रेयर। हिज मोस्ट नोटेड वर्क वॉज द रिंग एंड द बुक 1868 to 1869 के अंदर पब्लिश हुआ था ये। द स्टोरी ऑफ ए रोमन मर्डर ट्रायल इन 12 बुक्स। ये हुआ इसके बारे में कि इसके जन्म कब हुआ था, डेथ कब हुई थी और ये फेमस किसके लिए हुआ, इसकी नेशनलिटी क्या थी। अभी जो भी इसने क्रिएशन लिखी थी उसकी कैरेक्टराइजेशन क्या थी, तो इसकी जो वर्क्स की कैरेक्टराइजेशन थी वो थ्री थी। फर्स्ट ये थी मल्टीपल पर्सपेक्टिव ऑन सिंगल इवेंट्स द ड्रामेटिक मोनोलॉग वर्स फ्रॉम अलाउड ब्राउनिंग एक्सप्लोर एंड प्रोब द माइंड्स ऑफ स्पेसिफिक कैरेक्टर्स इन स्पेसिफिक प्लेसेज स्ट्रगलिंग विद स्पेसिफिक सेट्स ऑफ सर्कमस्टेंसेस। द पर्पज ऑफ आर्ट एंड थर्ड इज द रिलेशनशिप बिटवीन आर्ट एंड मोरलिटी। ये तीन थी रॉबर्ट ब्राउनिंग की पोइट्री की करेक्टराइजेशन। अब हम डिस्कस करेंगे अबाउट हिज क्रिएशन। इसके जो फेमस क्रिएशन थे वो कौन कौन से थे, तो वो है फर्स्ट है माई लास्ट डचेज, सेकेंड है पोफीरियाज लवर, थर्ड है द रिंग एंड द बुक। ये इसका फेमस वर्क था जिससे ये बहुत फेमस हुआ था। मीटिंग एट नाइट फ्रा लिपो लिपी एंड्रिया डेल सार्टो चाइल्ड रोलैंड टू द डार्क द लेबोरेटरी मैन एंड वुमन सोडेलो रेबी बेन इजरा लव अमंग द रुइंस स्ट्रेट फॉर पेरेसिलस ड्रामेटिक लिरिक्स एटसेट्रा। ये इसके फेमस वर्क थे। इसके अलावा उसने और भी बहुत लिखे थे लेकिन जो जो मेन थे वो मैंने लिखे हैं। बाकी मैंने बहुत से छोड़ भी दिए थे क्योंकि जो इम्पोर्टेंट थे अकॉर्डिंग टू मी वो मैंने सब लिखे हैं। तो ये हुआ रॉबर्ट ब्राउनिंग का इंट्रोडक्शन। अभी हम नेक्स्ट वीडियो में इसकी फेमस वर्क के किसी पर्टिकुलर वन के बारे में डिस्कस करेंगे, इसके इंट्रोडक्शन के बारे में। जो भी फेमस चीजें थी सब लिखी है मैंने, एक भी ऐसा नहीं रहा है जो छोड़ा हो। मतलब इन कंक्लूजन अगर हम कहना चाहे तो रॉबर्ट ब्राउनिंग अपने क्रिएशन के जो हिस्ट्री में बहुत फेमस हुआ था और बहुत अच्छी और बहुत फेमस वर्क्स इसने दिए थे। और इसके फेमस और इसकी फेम के जो कारण थे वो वर्क्स में ड्रामेटिक मोनोलॉग्स थे। कई पोइम्स ऐसी थी जो ड्रामेटिक मोनोलॉग्स में लिखे गए थे। अब ड्रामेटिक मोनोलॉग्स क्या होते हैं ये मैं बताऊंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।